देखिए कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है, इसी तरह से जंग लगा हुआ था। और इधर में देखिए आप लोग का सामने में रिजल्ट है, लाइव हम आप लोग को दिखा दिए। क्या आपका साइकिल में जंग लग गया है या फिर साइकिल का रिम में जंग लग गया है और आप परेशान हैं? तो परेशान होने वाली कोई भी ऐसा बात नहीं दोस्तों, आज के बाद आपका साइकिल नया जैसा चमकने लगेगा और रिम भी नया जैसा चमकने लगेगा, इसका मेरा गारंटी है आप लोग से। अगर आप अपना साइकिल का जंग से जीवन भर के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो हम आप लोग के लिए बनाए। इसकी रिकॉर्डिंग में बहुत सारे डे सब्सक्राइबर्स ने हमें कमेंट भी किए हैं कि राजू जी हम अपना साइकिल का जंग को कैसे निकाले, जंग को कैसे छुड़ाएं और नया जैसा चमकने लगे हमारा साइकिल हो या फिर साइकिल का रिम हो। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि किस तरह से आप अपना साइकिल को नया जैसा बना के रख सकते हैं। अगर साइकिल में जंग लग गया है तो किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से जंग को हटा सकते हैं और कभी भी फ्यूचर में आपका साइकिल में जंग नहीं लगेगा। अगर साइकिल में जंग लग गया है तो सबसे पहले आपको दो सामान खरीद लेना है, मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा। एक है सीरीज पेपर जो कि आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक सामान और खरीदना है जो कि है कास्टिक सोडा, ठीक है। ये आपको पूजा भंडार में मिल जाएगा, यानी पूजा का जहाँ सामग्री मिलता है जिस शॉप में उस शॉप में आपको ये मिल जाएगा। किस तरह से अप्लाई करना है, इसका अप्लाई करने का सही तरीका क्या है वो भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं। या फिर अगर कोई भी सामान हो जंग लग गया है और अगर आप जंग को छुड़ाना चाहते हैं इसका मदद से तो इजीली छूट जाएगा और नया जैसा चमकने लगेगा। तो ये चीज़ को पहले आप अच्छे से समझिए कि इसे इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। सो दोस्तों कोई भी जुगाड़ में आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है या फिर आप अपना हिसाब से पानी ले लें। उसके बाद आपको क्या करना है, कास्टिक सोडा लेना है जैसा कि देख रहे हैं और आपको अपना हिसाब से मिलाना है। जितना ज़्यादा कास्टिक सोडा को मिलाएंगे उतना ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों सेफ्टी का जरूर ध्यान दें यहाँ पर। ये देखिए कास्टिक हम इतना सारा दे दिए हैं, ठीक है, इतना बहुत है इतना पानी के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। और हाँ दोस्तों ये जो है पानी आपका हीट भी होता है ये कास्टिक डालने के बाद, जैसे इसका मिक्सर होगा ना दोस्तों उस तरह से ये आपका हीट होगा। तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं पहले। अच्छे से मिला लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले हाथ में ग्लव्स पहन लेना है और चश्मा पहन लेना है, जैसा कि देख रहे हैं हम चश्मा पहन लिए हैं, ठीक है। सेफ्टी जरूरी है, ये होता है डेंजर चीज़। तो दोस्तों ये एक हमारा पुराना साइकिल है तो साइकिल पर ना जाएँ, ठीक है। कोई भी साइकिल आपके पास में, सभी साइकिल में स्टील रिम लगी हुई होनी चाहिए। देखिए फ्रंट व्हील में जंग बहुत ही कम लगा हुआ है, ये आपका न्यू ही रिम है जैसा कि देख रही है। देखिए हाथ से भी फ्रेश करें तो फ्रेश हो जा रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जंग यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम आपको ये साइकिल का पीछे वाला रिम दिखाते हैं। जैसा कि रियर व्हील आप देख रहे हैं, पीछे चक्का वाला रिम, तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है चारों तरफ, ठीक है। तो अब इसे अप्लाई किस तरह से करना है, आपको कास्टिक ले लेना है और कास्टिक लेने के बाद जहाँ का आपको जंग छुड़ाना है, जिस जगह का, वहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं हम रेत ले लिए हैं। रेत लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, पहले आपको रिम को इसी तरह से साफ़ करना है। अगर इस तरह से साफ़ हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा कास्टिक को हार्ड कर लेना है, फिर लगा करके फिर साफ़ करना है। उसमें अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर रेत का आपको इस्तेमाल करना है इस तरह से, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं हम रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से आपको घिसाई करना है, ठीक है। ये देखिए ये हम घिसाई कर दिए जैसा कि देख रहे हैं, तो बढ़िया से थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए ये हम अच्छे से घिसाई कर लिए हैं, अब चलिए रियर व्हील का घिसाई करते हैं। दोस्तों ये देखिए रियर व्हील का भी घिसाई कर रहे हैं कि इसमें जंग ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए डायरेक्टली इसमें हम रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थोड़ा मोटा वाला रेत है ताकि अच्छे से घिसाई हो, इसलिए मोटा वाला रेत हम लिए हैं। आपको भी मोटा वाला ही लेना है, इसे भी चलिए अच्छे से पहले घिस लेते हैं। तो चलिए हम अच्छे से घिसाई कर लिए हैं, तो चारों तरफ आपको मिला मिला के घिसाई कर लेना है, ऊपर नीचे दाया बायां आगे पीछे देख करके, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए पानी का मदद से अब इसे हम फ्रेश करते हैं। ये देखिए अब ये चमकने लगा दोस्तों पूरा एकदम, देखेंगे ये देखिए नया जैसा चमकने लगा आप लोग का सामने में है रिजल्ट। ये देखिए तो अच्छे से पहले साफ कर लेते हैं, अच्छे से पानी की मदद से साफ कर लिए हैं। अब चलिए फ्रंट व्हील का करते हैं साफ। फ्रंट व्हील का भी हम घिसाई कर लिए थे अच्छे से। तो ये देखिए रियर व्हील से फ्रंट व्हील और ज़्यादा चमकने लगा है, ये देखिए। ये देखिए कितना मस्त चमकने लगा, एकदम नया जैसा चमकने लगा है।
सो दोस्तों ये देखिए रियर व्हील से फ्रंट व्हील और ज़्यादा चमकने लगा है जैसा कि देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फ्रंट व्हील का जो निकिल है वो ज़्यादा नहीं उड़ा है, हद से ज़्यादा जब जंग लग जाता है तो निकिल उड़ जाता है। तो कास्टिक से जब आप साफ करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर निकिल रहेगा वहाँ पर आपका अच्छे से चमक आ जाएगा, अच्छे से फ्रेश हो जाएगा, वहाँ पर दागी रस्ट का नहीं रहेगा देखने। लेकिन जंग जब ज़्यादा लगा हुआ रहेगा और निकिल उड़ जाएगा तो फिर क्या होगा कि उस जगह में आपका चमक नहीं आएगा, जैसा कि अदर जगह में आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये साइड में देखिए और ये साइड में देखिए, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ रहे हैं। तो कास्टिक का मदद से इस तरह से साफ कर लेना है, जैसा कि रियर व्हील देख रहे हैं आप लोग का सामने में है, ठीक है। ये देखिए रियर व्हील जो है आपका चमकने लगा है, लेकिन रियर व्हील में जो है रस्ट ज़्यादा लगा हुआ था, जहाँ पर निकिल है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है, जहाँ पर निकिल कम है, ठीक है, वहाँ पर देखिए थोड़ा कम चमक रहा है। तो इस तरह से आप अपना पुराना जंग लगा हुआ रिम को अच्छे से साफ कर सकते हैं कास्टिक का मदद से। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, सेफ्टी का, ठीक है। हाथ में ग्लव्स आपको पहन लेना है और गॉगल्स पहन लेना है आँख में। और एक चीज़ का ध्यान देना है, साइकिल का कलर में ये कास्टिक गिरना नहीं चाहिए। अगर साइकिल का कलर में ये कास्टिक गिर जाएगा तो कलर पूरा फेड कर देगा, कलर ख़राब कर देगा साइकिल का, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कोई भी ऐसा आपके पास में मेटल का सामान हो जिसमें रस्ट लग गया है, जंग लग गया है, तो ये कास्टिक को आप यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह से आप जो है जंग को रिमूव कर सकते हैं। हम आप लोग को अच्छे से लाइव दिखा दिए और बता भी दिए। और इधर में देखिए कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है, इसी तरह से जंग लगा हुआ था। और इधर में देखिए आप लोग का सामने में रिजल्ट है, लाइव हम आप लोग को दिखा दिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कास्टिक की मदद से साफ कर लेना, चाहे साइकिल हो या फिर साइकिल का कोई भी पार्ट्स हो या फिर इत्यादि कोई भी सामान हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह वीडियो आपका काम आए उससे साथ व्यक्ति का भी आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।